वो लोग जो अपने आप को एक्टिव और हर काम में फुर्ती पाना चाहते हैं, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों के आते ही हमारी बॉडी में पेन स्टार्ट हो जाती है। और वो लोग जो अपना वेट कम करना चाहते हैं या फिर वो लोग जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, दोनों के लिए ये रेमेडी बहुत ही मुफीद है। तो ऐसी सूरत में हमें ऐसी ड्रिंक चाहिए या ऐसा ब्रेकफास्ट चाहिए जिसे हमें फुल ऑफ एनर्जी मिले, भरपूर ताकत मिले और हमारे अंदर एक चुस्ती फुर्ती महसूस हो, हम सुस्त और लागर महसूस ना करें। तो ऐसी सूरत में मैं आपके लिए बेहतरीन ब्रेकफास्ट लेके आई हूँ। यकीन जाने एक बार ज़रूर इस्तेमाल करें और आप खुद मुझे दवाएं देंगे कि आप इतना अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेके आई हैं। हम बहुत सारे खाने खाते हैं, नान चने, पराठे, पूड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम हो जाता है कमज़ोर। तो व्यूअर्स, हमने अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। तो व्यूअर्स, हाफ कप के करीब मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं। अगर आप कॉर्नफ्लेक्स नहीं लेना चाहते तो आप ओट्स 2 चम्मच के करीब ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ले रही हूँ। इसके साथ ही आपने 2 चम्मच भर कर आपने बादाम ऐड करने हैं, ठीक है। ये 10 से 12 बादाम होंगे, ये हमने ऐड कर दिए हैं। अब दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम ग्राइंडर जार में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लेते हैं। व्यूअर्स, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने लेना है 1/2 कप के करीब पानी लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे तुखम लंगा, ये ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब है और इसको मिक्स कर देंगे। ये 2 से 3 मिनट में फूल जाएगा, इसको एक साइड पे कर लेते हैं। इसके साथ ही एक अदद सेब लेंगे और इसको काट लेंगे, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह हमने इसको काट लेना है स्लाइसेस में, ठीक है व्यूअर्स। और इनके हमने सीड निकाल लेने हैं, तो अच्छी तरह हम छील लेंगे, ये ऐड नहीं करने। एक अदद सेब लिया है और इसको हमने इस तरह कट कर लेना है, कट करके इसको स्लाइसेस में कट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह हम तमाम कर लेंगे। रोज़ाना एक अदद सेब खाना बहुत ज़रूरी है, रोज़ाना रूटीन का हिस्सा बना लें। सेब को तो हमें कभी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। इसके साथ ही हमने खजूर लेनी है 4 अदद और इनके भी हमने सीड निकाल लेने हैं और इसको भी हमने कट कर लेना है, तो इसको भी हम कट कर लेंगे। 4 अदद खजूरें हैं, खजूरें भी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, सर्दियों में सर्दी नहीं लगती इससे। तो ये हमने एक ग्राइंडर जार लिया है, अब हम इसमें ऐड कर देंगे खजूर और सेब, ठीक है व्यूअर्स। और इसके साथ हमने इसमें ऐड कर देना है जीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर खून बनाने की मशीन है, ये हमारी बॉडी के लिए बेहद ज़रूरी है और इसको भी अपना रूटीन का हिस्सा बना लें। अगर आप चाहते हैं चुस्त और तंदुरुस्त और सेहतमंद और एक्टिव रहना चाहते हैं तो आप ज़ीरे को अपना लें और इससे कर लें दोस्ती। तो ज़ीरा बहुत ज़रूरी है, तो हमने इसमें ऐड कर दिया ज़ीरा भी। इसके साथ हमने जो बादाम थे ये हमने ग्राइंड कर लिए थे, ये ऐड कर लेंगे। और इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है दूध। व्यूअर्स, आपको किसी किस्म के नान चने पठूरे ये इस तरह की चीज़ें खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप सेहत से भरपूर नाश्ता करें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। हम इनको कर लेंगे ग्राइंड। अब हमने इसमें ऐड करना है शहद। अगर आपको शुगर है तो आप इसको ऐड ना करें, बीपी पेशेंट के लिए और शुगर पेशेंट के लिए ये ड्रिंक बहुत ही मुफीद है। इसके साथ ही हमने ऐड करने हैं तुखम लंगा जो हमने भिगो दी थी, ये ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही हमने 1 कप के करीब और दूध ऐड कर देना है और इसको एक बार फिर ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं ग्राइंडर में हमने अच्छी तरह तमाम चीज़ों को यकजान कर लिया है और ये एक शेक की शक्ल है। तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपकी ये ड्रिंक कैसी बनी। ताकत का ख़जाना है, यकीन जाने ताकत का ख़जाना है और आपको इसके बाद नाश्ते की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तमाम चीज़ें फुल ऑफ एनर्जी हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, आपने इसको अपने रूटीन का हिस्सा बना लेना है।
तो इसमें आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। लास्ट में इसको बादाम के साथ गार्निश कर लेंगे। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। आपने करना ये है कि आपने 2 चम्मच भर कर ओट्स लेनी है और उनको आपने अच्छी तरह बादाम के साथ ग्राइंड कर लेना है। तो व्यूअर्स, ये ताकत का खजाना है, ताकत की चाबी है। अगर आप चाहते हैं कि सर्दियों में आप चुस्त रहें, एक्टिव रहें और सब आपसे पूछें कि आप इतने एक्टिव कैसे हैं, तो ये राज है एक्टिव होने का। तो आपने ये ड्रिंक लाजमी बनानी है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये मेरी रेमेडी, मैं यहाँ पे इसको रेमेडी का नाम इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसको जल्दी से बनाएं, 4 दिन तक आप लगातार इस्तेमाल करें और उसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मैंने ऐड की जो सुन्नत में शामिल ना हो। हमारी सुन्नत में खजूर, बादाम शामिल हैं। तो अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।